YouTube चैनल ऑल इज़ ईजी बाय शिज़ा की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो भी बहुत स्पेशल रेसिपी है। और आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये मेरे गांव की बहुत स्पेशल रेसिपी है, वहाँ पर इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो है मसालेदार तंदूर की रोटी, और ये आप लोगों ने शायद आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनती है। बहुत ही आसानी से बन जाती है, घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके साथ ही हो जाती है, आपको कुछ स्पेशल खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वैसे तो ये तंदूर में बनती है लेकिन मेरे पास यहाँ तंदूर की सहूलत नहीं है, तो मैं इसे तंदूर के बगैर ही बनाती हूँ। और आज मैं आपको भी ये तरीका बताऊँगी कि ये भी और इसके अलावा कोई सी भी ऐसी चीज़ जो आप तंदूरी चीज़ें बनाते हैं घर में वो किस तरह से आप बिना तंदूर के अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए बस करना आपको ये है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो और इसका अच्छा सा जायका आप लोगों को मिले। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी बहुत ही मुनफरद किस्म की रेसिपीज़ और वीडियोज़ जिन्हें आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और चलिए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास एक थाल है और इसी तरह के बड़े बर्तन में आप भी डाल लीजिए। ये आटा है, ये फाइन आटा है मेरे पास। अगर आप लोग चाहें तो चक्की का आटा यूज़ कर लें, लेकिन होना गंदों का चाहिए, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी आटा लें। तो ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो के बराबर है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब इसमें मैं, ये मेरे पास बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज हैं, ये बड़े साइज़ के, मैंने तकरीबन डेढ़ प्याज ले लिया था, तो आप लोग चाहें तो दो भी डाल सकते हैं, मुझे इनका टेस्ट पसंद है तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा डाले हैं। आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी। ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये तकरीबन मेरे पास तीन से चार थी, तो ये डालेंगे इसके अंदर। ये सब्ज़ धनिया है, ये डालेंगे। और ये मेरे पास आलू है, मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया था, ये डालूंगी मैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये साबुत धनिया है मेरे पास, तो ये साबुत धनिया इसमें बहुत ज़रूरी होता है डालना, इसलिए आप लोग कुछ भी मिस करें लेकिन ये धनिया मिस मत कीजिएगा। ये डालेंगे इसके अंदर, ये तकरीबन मेरे पास दो चम्मच है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, एक चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोग नमक कम खाते हैं तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद जैसे आप लोग घर का सिंपल आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसको गूंधेंगे, और फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके बाद हमने इसके साथ क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, हमारा आटा जो है वो बिल्कुल गूंध के तैयार हो चुका है, ये देखिए। आप लोग भी इसे बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा सख्त मत रखिएगा या फिर बहुत नरम मत कीजिएगा। तो इसे मैंने गूंध लिया है बिल्कुल सिंपल आटे की तरह, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके जैसे हम लोग घर का सिंपल आटा गूंधते हैं वैसे बिल्कुल मैंने इसे तैयार किया है। मैंने इसमें कोई और मसाले वगैरह ऐड नहीं किए। अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें लाल मिर्चों का पाउडर या फिर चाट मसाला या कोई और मसाला आप डालना चाहें तो बेशक डाल सकते हैं। मैंने इसमें मज़ीद मसाले ऐड नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा मसालेदार भी नहीं चाहिए है, तो इसलिए आप लोग चाहें तो कोई सा भी मसाला ऐड कर सकते हैं। और अभी मैं इसको एक से डेढ़ घंटे के लिए सेटल होने के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगी कि कैसे हम लोग इसे तंदूर की तरह बनाएंगे। जी तो मेरे साथ रहिएगा और मैं आपको एक से डेढ़ घंटे तक इसे रखने के बाद बताऊंगी कि कैसे हम लोग इसे बनाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारा आटा बिल्कुल सेटल हो चुका है, मैंने उसके साथ एक पेड़ा बनाया है, ये देखिए ये साइज़ मैंने लिया है पेड़े का, और आप चाहें तो इससे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये साइज़ बेहतर लग रहा था तो इसलिए मैंने ये साइज़ लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। पहले मैं यहाँ पर इसकी रोटी बेल लूँगी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा लेकिन बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, सादी रोटी की तरह थोड़ा सा इसे मोटा रखेंगे हम नॉर्मल रोटी के मुकाबले। बिल्कुल ऐसे ही आप इसे बेल लीजिए। जी तो व्यूअर्स, हमारी रोटी जो है वो बेलकर बिल्कुल तैयार है। अब एक साइड पे हमारा जो है वो खुश्क आटा लगा हुआ है और दूसरी साइड में मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा दूंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, और इसे इसके ऊपर फैला देंगे।
ऐसे ही बिल्कुल इसकी हर तरफ पानी लगाना है, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए खुश्क, लेकिन एक साइड में लगाना है, दोनों साइडों पे नहीं लगाना। ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर पानी लगा दें। इसके ऊपर पानी बिल्कुल लग चुका है, मैंने चारों तरफ लगा दिया है पानी, इसके ऊपर कोई सी भी खुश्क जगह नहीं रही। और अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम कैसे पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने तवे को गर्म होने के लिए छोड़ा है बिल्कुल हल्की आंच पे। इसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी, जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा इसके ऊपर मैं ये रोटी डाल दूँगी। और तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना फिर हमारी रोटी इसके साथ चिपकेगी नहीं, इसलिए मैंने बिल्कुल हल्का सा इसे गर्म करना है। जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, तो अभी गर्म हो चुका है, तो ये रोटी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और जैसे ही आप रोटी इसके ऊपर डालेंगे, इसे हमने इसके ऊपर चिपका देना है अच्छी तरह से। ऐसे चिपकाइएगा कि ये जब हम इसको इधर से उठाएंगे तो ये उखड़े नहीं यहाँ से, ये बिल्कुल साथ चिपकी रहे। और हमारी रोटी जो है वो मैंने इसके साथ अच्छे से चिपका दी थी, तो अभी ये हल्की हल्की तैयार हो चुकी है। जब ये आधी तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने करना ये है कि इसे एक साइड से पकड़ेंगे तवे को, और हमें यूँ इसे तिरछा खड़ा कर देना है। तब आँच थोड़ी हम तेज़ करेंगे, और इसे इसके ऊपर नहीं रखना बल्कि साइड में खड़ा करके हम इसे पकाएंगे। जैसे कि तंदूर की साइड में हमेशा रोटी लगी होती है और वो उसके साइड में रह के पकती है, सेम वैसे ही हमें इसकी साइड पे रख के रोटी को पकाना है। और फिर जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगी तब हम इसे इसके ऊपर से उतारेंगे। और हमारी रोटी जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है, सेम वैसे जैसे तंदूर में रोटी बनती है बिल्कुल वैसे ही ये रोटी तैयार हुई है। अब मैं इसे वापस तवे के वो इस चूल्हे के ऊपर रखूँगी, और जैसे ही ये तवा थोड़ा सा गर्म होगा ये रोटी खुद ब खुद इसके साथ से उखड़ जाएगी, या फिर आप किसी क्राइफ वगैरह की मदद से, चिमटे की मदद से इसे उतार सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल आराम से उतर जाएगी। देखिए ये बिल्कुल तंदूर के जैसी तैयार हो चुकी है, हमारी रोटी जो है वो पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब जब आप रोटी तैयार कर लेंगे तो उसके बाद अगर आपके पास मक्खन हो या देसी घी हो तो आप वो आप इस गरम गरम के ऊपर लगा दें। मेरे पास देसी घी है तो मैं वही लगाने वाली हूँ, तो इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगा दें। अगर आप लोगों को मक्खन या देसी घी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप उसके बगैर भी इसे खा सकते हैं, ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर आप लगा देंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसकी चारों तरफ हम ये थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगा रहे हैं। इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियां जो है वो तैयार कर लेंगे। और हमारी आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार है, ये देखिए हमारी रोटियां बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इसे आप दही की ठंडी नमकीन लस्सी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त लगती हैं इसके साथ। और आज जो आइडिया मैंने आप लोगों से शेयर किया है, ये तंदूर वाला, ये आइडिया भी मुझे मेरी अम्मी ने दिया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे और मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर नेक्स्ट कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट ऑप्शन में आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ ज़रूर तैयार करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।